रोल। इस समय नीमच कृषि उपज मंडी की लहसुन मंडी के मुख्य गेट पर मौजूद है। कल भी हम आए थे, कल भी देखा था कि जो उपज की लहसुन की आवक ज़्यादा रही, आज भी कमोबेश वही स्थिति है। हालांकि जो कल की अपेक्षा कम उपज है और जिस तरह लगातार लहसुन नीमच मंडी में आ रही है, उससे अब किसानों को भी लगने लगा है कि दाम कुछ कम हो सकते हैं और एक दो दिन में फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बम्पर आवक हो चुकी है। कल दो दिन के बाद मंडी खुली थी, लगातार किसान जो दो दिन से इंतज़ार कर रहे थे उनको मौका मिला, वो लहसुन लाए तो इतनी लहसुन आ गई थी कि कल काफ़ी ट्रक सैकड़ों की संख्या में वाहन बाहर खड़े थे। आज हम एक ट्रक पे खड़े हैं और ये ट्रक में कुछ किसान हैं। कौन सी लहसुन लेके आए हैं, कहाँ से आए हैं, तमाम बातें इनसे करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश बोरदिया है। कहाँ से आए आप? धार जिले से। क्या क्या लेके आया, किस तरह की लहसुन है आपके? हमारे पास मिक्स वैरायटी है। मिक्स मतलब कौन कौन सी है? उसमें आमलेट है, डालर है, रियावन है, जीटू है, सारो मिक्स। अच्छा, धार से यहाँ आए? हाँ। तकरीबन 250 किलोमीटर दूर से आए हैं ना? जी। तो क्या क्या अपेक्षा है आपकी और क्या सोच के आते हैं आप यहाँ? यहाँ आते हैं थोड़ा सा रेट मिल जाता है, भीड़ कम रहती है तो टाइम पे घर चले जाते हैं। मंडी मंसूर और आपके उधर भी जैसे रतलाम वगैरह ये मंडियाँ वहाँ? हमारे क्या है, पिपलिया मंडी में तो अभी बहुत भीड़ है, यहाँ पे अपने दो दो दिन का स्टॉक है तो वहाँ तो खड़ा रहना बड़ा मुश्किल होना। और मंसूर का क्या, वहाँ हिमालय का थोड़ा सा लपड़ा रहता है, इशू है ना, वहाँ पे क्या अपने को काम करना पड़ता है और यहाँ कुछ मैटर नहीं रहता, इसलिए यहाँ बेटर है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। क्या उम्मीद है कि आपको किस तरह का भाव मिल जाएगा, अनुमानित किए भाव तो मिल ही जाएगा? उम्मीद तो है आज थोड़ा सा भाव डाउन रहेगा लेकिन कल बढ़ सकता है, आज वाहन की आवक कम होने की वजह से। आपको क्या लग रहा है आपका नंबर कब आएगा? कल आएगा, आज 12 बजे के समथिंग। कब आए थे आप? हम कल रात को 2 बजे आए। अच्छा, रात में आए थे और तो रात भर यही गाड़ी में रहे? जी। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आप भी साथ में आए? जी साथ में हूँ मैं भी। तो नीमच मंडी में मतलब अच्छे भाव मिलते हैं किसानों को? मिलेंगे ना? हाँ अच्छे मिलते हैं, है ना, और खरीदार भी अच्छे हैं। हाँ, दूसरे की अपेक्षा। लहसुन किस तरह की लाए? ये कौन सी लहसुन है भैया? ये सारी मिक्स है, हमारे पास मिक्स है, है ना, देसी भी है, अमरेडा भी है। अच्छा, इसमें छोटी बड़ी सब तरह की है? तो चार्ट रखी है कि मिक्स है कि टोटल चटनी में कर रखी है? ये मीडियम वाली क्वालिटी है, बड़ी वाली क्वालिटी आगे रखी है, अलग अलग है, बोल्डर वाली भी है। तो कुल मिलाकर जो किसान हैं 250 किलोमीटर दूर से इसी उम्मीद से आए हैं कि यहाँ अच्छा दाम मिलेगा, और नीमच मंडी की ये खासियत भी है कि यहाँ किसान मतलब केवल क्षेत्र के ही नहीं, दूसरे राज्य राजस्थान हो या प्रदेश के भी, उज्जैन, देवास, इंदौर, यहाँ तक के किसान अपनी उपज लेकर पहुँचते हैं, जिससे कि किसानों को भी लाभ होता है और व्यापारियों को भी व्यवसाय करने में अच्छा रहता है।